तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल इंडिया में Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं और लॉन्च होने से पहले इन स्मार्टफोन की प्री बुकिंग के लिए जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आ चुके हैं और यहाँ पर प्राइसेस भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप इन स्मार्टफोन को लॉन्च होने से पहले ऑफिशियली प्री बुक कर सकते हैं। क्या डिटेल है, क्या प्राइस पॉइंट है, किस प्राइस पॉइंट पर आप प्री बुक करेंगे, उसके साथ में क्या ऑफर्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पर Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के इंडियन वेरियंट की इंडियन यूनिट की जो अनबॉक्सिंग है वो निकल कर आ चुकी है। ऑफलाइन स्टोर में ये जो स्मार्टफोन से वो जा चुके हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ में यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि Realme 11 सीरीज में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें इस बार देखने को मिल रही हैं जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर बात करूं सबसे पहले Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग यूनिट के, अगर बात करूं Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के इंडियन यूनिट के अनबॉक्सिंग लीक वीडियो के बारे में, तो यहां पर काफी सारी ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं जिसमें Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर अनबॉक्स किया जा रहा है। स्मार्टफोन जो है पीछे की साइड से आपको सेम Realme 11 Pro जैसा ही देखने को मिलता है, बस यहाँ पर जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा और पीछे की साइड 200 मेगापिक्सल प्रिंटेड है। तो इतना ही चेंज होने वाला है Realme 11 Pro और 11 Pro Plus में। हालांकि Realme 11 Pro Plus में कुछ यूनिक सा आपको पैटर्न पीछे की साइड यहाँ पर देखने को मिलता है और एक अच्छी डिजाइनिंग के साथ में जो बैक पैनल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। Realme 11 Pro Plus का जो बैक पैनल है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है Realme 11 Pro से। तो ये कुछ डिटेल है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में कर्व एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेंटर पंचोर डिस्प्ले के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है। कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बात कर लें स्मार्टफोन की प्री बुकिंग के बारे में, तो Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स दोनों स्मार्टफोन को प्रो और प्रो प्लस को अब आप यहां पर लॉन्च होने से पहले प्री बुक कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्री ऑर्डर्स है वो फिलहाल स्टार्ट होने वाला है 8 जून से। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसी टाइम से आप इस स्मार्टफोन को प्री बुकिंग कर पाएंगे और यहां पर प्री बुकिंग जो है वो फिलहाल यहां पर ऑफलाइन स्टोर्स पे होने वाली है। अब ऑनलाइन कहां से होंगी ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ऑफलाइन इनके जो स्टोर हैं वहां पर प्री बुकिंग होने वाली है। और प्री बुकिंग अगर आप इस स्मार्टफोन की करते हैं तो ये लोग आपको प्री बुकिंग के साथ में कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। प्री बुक करने पर आपको Realme जो है वो यहां पर Realme Watch 2 Pro जो कि 4499 रुपए की है इसको ये लोग फ्री में देने वाले हैं। अगर आप प्री बुकिंग करते हैं Realme 11 Pro या फिर Pro Plus स्मार्टफोन की तो ये वॉच जो है वो 4500 रुपए की आपको फ्री में ये लोग देने वाले हैं। तो ये डिटेल है। और ऑफलाइन स्टोर पे जो डमी यूनिट है Realme 11 Pro स्मार्टफोन के वो भी जा चुके हैं। तो इस बार Realme जो है वो ऑफलाइन स्टोर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यार स्मार्टफोन के प्राइस आने के बाद में ही आप इस स्मार्टफोन को प्री बुकिंग वगैरह करना, पहले प्री बुक मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि ओवर प्राइस स्मार्टफोन हो, कुछ डिटेल हो सकता है कि इसकी प्राइस ये लोग ओवर प्राइस रखे, तो ऐसे में आप प्री बुकिंग करके फंस जाएंगे। तो सोच समझ करके फिर ही स्मार्टफोन को प्री बुक करना। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर Realme 11 Pro सीरीज में इन लोगों ने सारी चीजें अच्छी दी हैं, इस बार अपग्रेड भी किया है, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने अनवांटेड इस स्मार्टफोन में डाल दी हैं। जैसे कि इस स्मार्टफोन में बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स और बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि Realme को अब कम करना चाहिए। यार पहले Redmi ये काम करता था, अब Redmi ने ये कम कर दिया। ये लोग एड दिखा दिखा के फोन में पैसे कमाते थे, अब वही सेम जो चीजें हैं वो Realme कर रहा है और Realme अपने स्मार्टफोन्स में काफी सारे ब्लॉटवेयर और एड्स को प्रमोट कर रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितना कम से कम स्टॉक स्मार्टफोन को रखेंगे उतना ज्यादा स्मार्टफोन जो है उसका यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा। आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में? फिलहाल प्राइसेस के बारे में बात कर लें तो 35 या 30,000 के करीब Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन के हाई एंड वेरिएंट की प्राइस जाने वाली है। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करोगे? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।